नमस्कार, स्टार स्टडी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, शास्त्रों में लिखा है, निश्चित्वा या प्रक्रमते नान्तर वसति कर्मणः अवंद्य कालो वश्यात्मा समय पंडित उच्यते। इसका तात्पर्य है कि जिसके प्रयास एक दृढ़ प्रतिबद्धता से शुरू होते हैं, जो कार्य पूर्ण होने तक आराम नहीं करते हैं, जो समय बर्बाद भी नहीं करते हैं और जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। हम बात करते हैं गोचर के बारे में कि जो महत्वपूर्ण गोचर होते हैं उन गोचरों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम आपको बताते हैं कि आपका जो समय है वो आपके लिए सकारात्मक है तो आपको बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। लेकिन वहीं जब आपका जो समय है वो प्रतिकूल होता है तो वहाँ पर आपको समय के साथ तो चलना है लेकिन आपको संयम और धैर्य बनाए रखना है। अभी एक महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है, शुक्र ग्रह 4 जनवरी 2021 को प्रातः 5:03 पर धनुराशि में प्रवेश करेंगे और अगले दिन यानी कि 5 जनवरी 2021 को प्रातः 3:55 पर बुध ग्रह जो है वो मकर राशि में जाएंगे। यह गोचर कई मायनों से महत्वपूर्ण कह सकते हैं, साथ ही नए साल में इन दोनों ग्रहों के कारण आपको बेहतर शुरुआत करने को मिलेगी और यदि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि विभिन्न राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही हम आपको बताते चलें कि हम राशियों पर सामान्य प्रभाव की बात कर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में ये दो ग्रह किस स्थिति में है और इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली को हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों से विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstell.com और आप किसी भी समय हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। तो आइए इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों, शुक्र और बुध के इस खास गोचर से आपको एक बेहतर शुरुआत करने का जो है मौका मिलेगा। कामकाज की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी पेशा जातक भी अपने काम से अपने सीनियर अधिकारियों को प्रसन्न कर सकेंगे और सरकारी सेवारत जातकों के लिए भी उन्नति की अपार संभावनाएं बनती दिख रही हैं। परिवार के सदस्यों से चल रहा मनमुटाव किसी के हस्तक्षेप के कारण खत्म हो जाएगा और आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र के लिए प्रियजन की सलाह बहुत अहम साबित हो सकती है इस दौरान आपके लिए, या फिर ये कहें कि प्रियजन के साथ साझेदारी के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इससे आपको एक नया अनुभव मिल सकता है। नए व्यक्तियों से परिचय होगा और आगे की स्थिति, जो आगे का जो कोई भी आप योजना बनाना चाहेंगे उसे आप एकाग्रचित होकर के आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस दौरान आप काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है जो आपको एक अच्छी शुरुआत दिलाएगा। आपका प्रयास यह भी रहना चाहिए कि बच्चों के लिए समय निकालें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। निजी संबंधों के लिए भी समय अनुकूल है और भौतिक सुख संसाधनों का आप लाभ उठा सकेंगे। जहां तक बात आपकी सेहत की है तो इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। फिर भी आपको इस बीमारी के दौरान जब एक वैश्विक महामारी चल रही है तो लापरवाही से आपको बचना चाहिए। वृष राशि के जातकों के लिए आपको संभवतः कुछ शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कुछ आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं और काम बाधित भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह लग्नेश और षष्ठेश होकर कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे, जबकि बुध ग्रह द्वितीयेश और पंचमेश होकर भाग्य स्थान में गुरु और शनि के साथ गोचर करेगा। अतः इस ओर ध्यान दिए जाने की विशेष जरूरत है। वैसे आशावादी बनकर आप समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। आपकी मुखरता और आपकी चतुराई आपको विषम परिस्थितियों से बचाएगी, परंतु सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। विपरीत लिंगी मित्र हैं उनसे एकाएक नज़दीकी बनाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। प्रॉपर्टी की चाह से संबंधित या पुराने मामले आपके सुलझ जाएंगे। यदि इस दौरान
कोई बड़ी डील होनी है तो आपको सलाह दी जाती है कि हस्ताक्षर से पहले दस्तावेज को अच्छी तरह से आप पढ़ लें और उनकी जांच कर लें। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। बात अगर विद्यार्थियों की है तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। वाहन आदि का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि वाहन का इस्तेमाल आप सावधानी से करें और यातायात के नियमों की अनदेखी ना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों, आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो सप्तम और बुध ग्रह आठवें भाव में गोचर करने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकता है, परंतु अन्य ग्रहों के योग संयोग से आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इससे आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी और आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा। आपके विरोधी आपका सामना करने से दूरी बनाएंगे या आपकी तरफ सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ मामलों में सतर्क भी रहना होगा क्योंकि कुछ परिस्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी रहने वाली हैं। विपरीत लिंगी मित्रों के साथ इस दौरान आपका आकर्षण बढ़ सकता है और विवाहित जातकों को इससे दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपके आपसी रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है। घर और बाहर आपके शीघ्र ही किसी कारणवश क्रोधित होने की संभावना के चलते भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, अतः आप अपने व्यवहार और शब्दों पर खास ध्यान दें। लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करें और ना ही किसी को बिना मांगे सलाह दें। जहां तक बात विद्यार्थियों की है तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और उन्हें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा और समय के साथ चलने का प्रयास भी करना होगा। यदि आपने इस दौरान यात्रा का प्रोग्राम बना रखा है, अगर आपकी लंबी यात्रा पर आपको कहीं जाना है या तीर्थ यात्रा पर जाना है तो आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी और खासकर अपने अमूल्य सामान को, अगर आपका कोई महंगा सामान आपके साथ हो तो उसका आप खास ध्यान रखें या फिर उसी यात्रा में नहीं ले जाएं तो बेहतर होगा। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए शुक्र ग्रह जो है वो छठे घर में और बुध सातवें भाव में गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से अनावश्यक चीज़ों पर खर्च होने से आप जो है उतार चढ़ाव का अनुभव महसूस करेंगे, अतः आपको बजट बनाकर चलना होगा, अन्यथा आप जो है बेवजह तनाव में आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं अभी उनको इससे दूर रहने की ज़रूरत है और किसी भी ऐसे क्षेत्र में निवेश न करें जिसका आपको अनुभव ना हो, अतः अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करें न कि दिखावे के लिए। जिंदगी में आप अपनी उम्मीदों को न छोड़ें और ना ही अपने जो कार्य हैं जो आपने कार्य शुरू कर रखे उनको अधूरा छोड़ें, क्योंकि समय के साथ आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करने वाले हैं। रिश्तों के लिहाज से समय थोड़ा अप डाउन वाला रह सकता है, अतः एक दूसरे की भावनाओं को जरूर समझें। विद्यार्थियों को समय सीमा में अपने सिलेबस को समाप्त करने की आवश्यकता है। अपने से बड़े लोगों का सम्मान और उनकी सहायता जरूर लें। गर्भावस्था में महिलाओं को याद रखें, ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था के दौरान में हों उन्हें इस दौरान यात्रा से बचना होगा। और इसके अलावा आप अगर आपको जो अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी अगर आपको लगती है तो उसे आप नज़रअंदाज ना करें तो एक बेहतर बात हो सकती है। सिंह राशि, आपकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र और छठे भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। समय और मुद्दों की गंभीरता को समझने की जरूरत है क्योंकि आप लोगों की नज़र में रहने वाले हैं, अतः ध्यान रहे लोग आपको इस दौरान ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। समाज और दफ्तर में आपकी साख बढ़ेगी, आपकी लंबे समय से अटकी हुई जो जितनी भी इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी होने वाली है, यानी कि आपके जो काम थे, जो भी आपने योजनाएं बनाई हुई थी, जो रुकी हुई थी वो पूरी होने वाली है। आप अपनी बढ़ी हुई साख को बनाए रखने के लिए अपने वादों से न मुकरें, इस बात का आप ध्यान रखें और दूसरों की बातों का सम्मान करें। सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इस बात को कतई नज़रअंदाज आपको करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान लेन देन संबंधी कार्य सतर्कता से करने की सलाह दी जाती है, अतः उलझन पैदा हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की अपनी रुचि के विषयों के प्रति इच्छा जागृत होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो इसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए आपको, क्योंकि रिश्तों के मामले में आपके विनम्र होने की जरूरत है। अहंकार से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे तो शुभता का आगमन होगा।
यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो यातायात के सभी आवश्यक नियमों का पालन जरूर करें। खासकर वाहन चलाते समय प्रतिस्पर्धा करना आपके लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि इससे आप अपनी जान के लिए जोखिम तो पैदा करते हैं, साथ ही जो आपके साथ भी सवारी बैठी होगी उनके लिए भी आप मुसीबत पैदा कर सकते हैं। अतः आपको ध्यान रखना होगा कि यातायात के नियमों की अनदेखी बिल्कुल भी ना हो। कन्या राशि, शुक्र गोचर करेंगे सुख भाव में और बुध ग्रह पंचम भाव में। कुंडली में वर्तमान में ग्रहों का संयोग अच्छा बनता दिख रहा है और इसके प्रभाव से एक और जहां अचानक अच्छी खबर मिल सकती है तो सामाजिक और धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान भी बढ़ सकता है। यह एक अच्छी बात होगी जो आपको हमेशा सकारात्मक बने रहने में मदद और सुविधा प्रदान करेगी। कामकाज सुचारू रूप से चलते रहेंगे और मन में नए विचारों का उदय होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है और आप सभी खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आपका लक्ष्य आपको प्रेरणादायी और जोशीला बनाए रखेगा। मां को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन आप हमेशा दूसरों और अपने रिश्तेदारों की सहायता करने के लिए आतुर रहेंगे। अगर बात करूं प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम प्रसंग के मामले में भी समय आपको जो है मुझे अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस दौरान नए लोगों से भी परिचय बढ़ेगा, लोग आपसे मिलना और सलाह लेना पसंद करेंगे। अगर बात करूं मैं विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग अति आत्मविश्वास से बचे। आपको मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी, वशर्ते आप नकारात्मक विचारों को अपने अंदर पनपने ना दें। जहां तक बात स्वास्थ्य की है, तो वैसे तो आप स्वस्थ रहने वाले हैं, लेकिन ऐसे जातक जिनको पहले से कोई दिक्कत चल रही थी, जी हाँ ध्यान दें कि जिनको पहले से कोई दिक्कत चल रही थी, वे अपना ध्यान जरूर रखें और कोशिश करेंगे योगा और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। प्रिय तुला राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, जबकि बुध ग्रह भाग्येश और द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में होंगे। इनके प्रभाव से सुख संसाधनों पर खर्च होगा। ग्रहों की शुभता के कारण विषम परिस्थितियों में भी आपके चाहने वालों की मदद आपको प्राप्त होने वाली है। घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल जरूर करें और उनका आशीर्वाद लें। परिवार के साथ रहना और कार्य करना आपको लाभ देगा। गरीब लोग होते हैं, गरीबों की सहायता करना और धार्मिक कार्यों में आपकी जो है वो रुचि बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। ये सभी काम आपके मंजिल की कठिन डगर को आसान बनाएगी। संपत्ति मिलने के संकेत भी ग्रहों की तरफ से मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। चुनौतियों से निपटने के लिए बचाई गई जो धनराशि है वो काम आएगी। ध्यानपूर्वक अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों को चुनें और मिलकर काम करें। जहां तक बात विद्यार्थियों की है, तो चुनौतियों के बावजूद निश्चित ही विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ आवेश में आकर संबंध खराब ना करें, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि कुछ मामलों में घरेलू वातावरण आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अतः ध्यान दें। और जहां तक बात आपके सेहत की है, तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। वृश्चिक राशि, प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, ग्रहों का योग संयोग आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। पैसा और प्रसिद्धि अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे और अधिक कठिन परिश्रम से आपको अधिक फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। सरकारी विभाग या अधिकारियों के कुछ लाभ होने के भी आपके लिए योग बन रहे हैं और किसी लाभदायी यात्रा का सहयोग भी इस दौरान बन सकता है। किसी के कहने पर जल्दी पैसे बनाने या कमाने के लालच में आप कतई ना पड़े, अन्यथा इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। स्वतंत्र रूप से काम करने पर आपको अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिलेंगे। जहां तक बात विद्यार्थियों की है, तो विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई में लापरवाही ना करें, क्योंकि समय नाजुक है और आप बाहरी विषयों में रुचि ना दिखाएं तो बेहतर होगा। घर परिवार में उपस्थित महिला वर्ग को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है, अतः उनका ध्यान दें। यदि आपको धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिलता है, तो इसे आपके द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक बात स्वास्थ्य की है, तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आप शाकाहारी बने और नशा मुक्त जीवन जिए। पूर्व से जो लोग अस्वस्थ चल रहे थे, उन्हें नियमित अपना चेकअप कराना बहुत जरूरी है।
और कोशिश करें कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें और प्रतिदिन टहलना आपके लिए बहुत ही सेहतमंद रह सकता है। धनुराशि, प्रिय धनुराशि के जातकों, आपकी राशि में शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं जबकि कर्मेश बुध भी धन भाव में आ रहे हैं। यह संयोग आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। एक ओर जहां मनमोहक यात्राओं का संयोग बन सकता है, वहीं दूसरी ओर जेब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। परिवार की खुशी के लिए आप अच्छी खासी जो है शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग करने का मन बना सकते हैं। सौंदर्य प्रसादन के अलावा मकान वाहन का भी योग बनता दिख रहा है। आपकी आध्यात्मिक, ज्योतिष और आयुर्वेद के क्षेत्र में रुचि बढ़ सकती है, जो कि अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, तो वर्तमान की परिस्थितियों से बेहतर काम करने वाले हैं आप इस दौरान। अपनी योग्यता का भरपूर परिचय दिखाने का समय आ गया है। जो जिम्मेदारी आप लेने वाले हैं उसे आप बखूबी निभा सकेंगे। इससे आपको नई पहचान भी मिलेगी और उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। निवेश के रास्ते भी खुलने वाले हैं। एक सलाह आपके लिए मैं हम देना चाहेंगे कि यदि आप पहले से अनावश्यक खर्च करने की आदत को अपने अंदर विकसित कर चुके हैं तो अब भविष्य के लिए बचाने की ओर आपको सोचना चाहिए। आप काम को लेकर जो भी योजना बना रहे हैं उसे आप धरातल पर लाने से पहले किसी से शेयर ना करें। अगर बात विद्यार्थियों की करूँ तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। मकर राशि, प्रिय मकर राशि के जातकों, शुक्र आपके 12वें भाव में और बुध आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। इससे आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। खर्चे की अधिकता के बाद भी आप अपने विवेक से आर्थिक समस्याओं से निपटने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी कलात्मक कुशलता में वृद्धि होगी। आपके पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आप अपने कठिन परिश्रम के बल पर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। मुश्किल घड़ी में आपके दोस्त और आपके जो शुभचिंतक हैं वो आपका साथ जरूर देंगे। कार्य के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा भी आपको इस दौरान करनी पड़ सकती है, लेकिन अपने सामान का आपको ध्यान रखना होगा और अपने जो कीमती सामान है उसको किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिस पर आप विश्वास नहीं करते या जिसे आप नहीं जानते, उसके भरोसे आप न छोड़ें। आपको इस दौरान कुछ मामलों में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और आपके लिए जो विशेष सलाह है वो ये है कि विपरीत लिंगी मित्रों के साथ एकाएक घनिष्ठता ना बढ़ाएं और संभव हो तो यात्रा के दौरान नशे से दूर रहें। विद्यार्थियों को अपने विषय को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है और मन को एकाग्र करने में भी कुछ समस्याएं महसूस आप करेंगे, परंतु ये एक थोड़े समय के लिए यानी कि अल्पकालिक ही रहेगा और समय के साथ साथ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये ठीक होता चला जाएगा। घर परिवार का जो माहौल है वो अनुकूल रहने वाला है और जहाँ तक बात सेहत की है तो सेहत भी आपकी सामान्य रहेगी। कुंभ राशि, प्रिय कुंभ राशि के जातकों, शुक्र और बुध के गोचर के प्रभाव से आपको जो है वो मिला जुला फल मिलने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। कार्यों की गति में निरंतरता रहेगी, परंतु इस दौरान कुछ एक चीज़ों के मामले में आप नकारात्मक विचारों के शिकार हो सकते हैं। समय के साथ शांति और संयम के साथ काम करते रहें और खुद को व्यस्त रखने का आप प्रयास करें। समय के साथ ऑफिस संबंधी कार्यों को जो है वो बेहतरता मिलेगी, आपको लाभदायी परिणाम मिलेंगे। सरकारी अधिकारी आपको कानूनी कार्यों में मदद करने में आपकी मदद करेंगे और कम लाभ वाली योजनाओं में, मैं आपको सलाह दूंगा कि चक्कर में ना पड़ें, कम लाभ वाली योजनाओं में आप अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। साझेदारी में यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो पारदर्शिता बनाए रखें, लेकिन यदि नए सिरे से काम करने का मन बना रखा हो तो थोड़ा समय आपको इंतजार करने की मैं सलाह देता हूँ। काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, साथ ही जीवन साथी की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अतः उनकी बात को माने, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। यदि आपकी रुचि इस दौरान धार्मिक आयोजन, समाज सेवा और दान जैसे कार्यक्रम में बढ़ती है तो एक अच्छी बात होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अन्य सभी दृष्टि से ये जो समय है वो आपके पक्ष में मुझे दिख रहा है। मीन राशि, प्रिय मीन राशि के जातकों, शुक्र और बुध ग्रह के इस खास गोचर से किसी बड़े व्यवसाय में इन्वेस्ट करने का आपका विचार बन सकता है यानी आपका मन बन सकता है, परंतु ध्यान रहे कि जल्दबाजी में आपका गलत निर्णय आपको आर्थिक हानि पहुंचा सकता है। नौकरी पेशा जातकों को उनके श्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मान भी किया जा सकता है। इसके अलावा समाज हित में भी किए गए कार्यों की सराहना होगी।
किसी भी तरह की लुभावनी योजनाओं के चक्कर में आप ना पड़े, इससे आपका समय खराब होगा, इससे आपका पैसा खराब होगा, अतः आप इस ओर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं परिवार की तरफ की, तो पारिवारिक मामले जो है वो आपके सौहार्दपूर्ण रहेंगे और घर पर मांगलिक कार्य से संबंधित चर्चा हो सकती है। छोटी मोटी यात्रा का प्रसंग भी मुझे बनता दिख रहा है और इसमें अगर आप अपने परिजनों को यानी अपने घर वालों को भी लेके जाते हैं यात्रा पर तो एक सौभाग्य की बात होगी। यदि बात करें प्रेम प्रसंगों के हिसाब से तो प्रेम प्रसंगों के लिहाज से समय अनुकूल कहा जा सकता है। जहाँ तक बात विद्यार्थियों की है तो विद्यार्थी वर्ग अपनी परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त करने वाले हैं और अब वे यहाँ से भविष्य के लिए कुछ ठोस निर्णय ले पाएंगे। दर्शकों, ये हमने बात करी एक सामान्य फल की। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक सामान्य फल है, लेकिन निर्भर करता है कि शुक्र ग्रह हो या बुध ग्रह हो वो आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstell.com और आप में कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।